श्रावस्ती जनपद के इकौना से करीब चार दिन पूर्व एक युवक ने पुल से राप्ती नदी में छलांग लगा दी थी। चार दिन से पुलिस व परिजन मिलकर शव की तलाश कर रहे थे। आज दोपहर में लवकुश की लाश पड़ोसी जनपद बलरामपुर के सरदारगढ़ गांव के राप्ती नदी से बरामद हुई है। सरदारगढ़ के ग्रामीण सुबह जब खेतों की तरफ गए हुए थे तभी उन्होंने रेत में दबी हुई एक लाश देखी। इसके बाद इसकी सूचना थाने को दी गई। चूंकि लाश जनपद बलरामपुर के इलाके में बरामद हुई थी इसलिए वहां की पुलिस ने शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें एक मनोरोगी युवक जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था उसने रात 12 बजे के करीब राप्ती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। 20 वर्षीय युवक लवकुश पुत्र जगदेव की लाश आज सरदारगढ़ गांव में मिली। मौके पर पहुंचे परिजन रोने चिल्लाने लगे। लवकुश की लाश घटना स्थल से करीब 15 किलोमीटर आगे जाकर मिली है। कौन सा टक नहीं हम अनकोट सर किस जिले में लगता है? बलरामपुर। चौकी कौन सी आपकी? चौकी तो यहाँ चकवा चौकी। अच्छा आप लोग यहीं पर रहते हैं? आपका खेत है यहाँ पर? खेत। अच्छा पीछे दिख रहा है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, ये कब जानकारी मिली आप लोगों को? सवेरे 8 बजे लगा। क्या देखा आप लोगों ने? लगा है वो गाँव के आदमी आए तो उन्हें लोग बताए की लाश लगा है, तब यहाँ के सब लोग जुटे और कोई इनके रिश्तेदार फोन की। अच्छा